कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी संकल्प यात्रा लेकर मध्य प्रदेश के धार जिला पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आमजन को प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना संबोधन दिया। अध्यक्ष ने भाजपा सरकार के आंकड़े बताते हुए बताया कि 24 घंटे में मात्र 450 युवाओं को रोजगार मिलता है, जबकि दूसरी ओर अमीर लोगों का कर्जा माफ होने का आंकड़ा भी जनता को अध्यक्ष ने बताया। कांग्रेस अध्यक्ष ने आलू के दाम और चिप्स के पैकेट के दाम को तोलते हुए किसानों को आलू के वाजिब दाम नहीं मिलने की बात कही। साथ ही रोजगार को बढ़ावा देने पर भी राहुल गांधी ने जोर दिया। कैमरा 24 के लिए धार से प्रतीक राठौर की रिपोर्ट। हिंदुस्तान में आज 24 घंटे में सिर्फ 450 युवाओं को रोजगार मिलता है, सरकार के आंकड़े। मोदी जी ने पिछले 4.5 साल में हिंदुस्तान के सबसे अमीर 10-15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। हिंदुस्तान में मनरेगा को चलाने के लिए 33,000 करोड़ लगता था, उससे 10 गुना ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी ने स्वयं सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया। आलू का क्या दाम है आपका? आलू का क्या दाम है? 5 रुपए। चिप्स के पैकेट कितने में बिकता है? उसमें कितने आलू होते हैं? आधा आलू होता है उसमें, आधा आलू होता है। उस चिप्स के पैकेट में से किसान को कितना रुपया मिलता है मुझे बताओ? किसान का आलू है उसमें कितना रुपया मिलता है उसको? कुछ नहीं मिलता, 50 पैसे, उससे भी कम।